राजस्थान के एक दलित बच्चे की स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा पिटाई से हुई मौत के बाद राजनीति गर्मा गई है। बच्चे की मौत पर राजस्थान की गहलोत सरकार पर चौतरफा हमले शुरू हो गए हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर देश के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए राजस्थान सरकार के खिलाफ कार्यवाही की मांग उठाई है। विश्व हिंदू परिषद मेरठ प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर राजकमल गुप्ता ने केंद्र सरकार से मांग की है कि सबसे पहले तो आरोपी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने इस घटना को एक साजिश करार दिया है। उनका कहना कि गहलोत सरकार राजस्थान के हिंदुओं को बांटने में लगी है, वो ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देकर दलितों को हिंदुओं से अलग करने में लगी है। देखिए, राजस्थान के अंदर जालौर जिले में एक 9 साल के छात्र की हत्या केवल इसलिए कर दी गई कि वो दलित समाज का था, और जिसने हत्या करी वो शिक्षक था। एक शिक्षक ने एक बच्चे की 9 साल के इसलिए इतना मारा कि उसने अपना प्राण त्याग दिए केवल एक गिलास पानी पीने के लिए। उस मटके में जो मिट्टी का मटका भरा हुआ रखा था, उस दलित छात्र ने जाकर वहाँ पर वो पानी पी लिया। इसके पीछे मुझे एक सुनियोजित षड्यंत्र दिख रहा है। वो क्या है? राजस्थान सरकार हिंदू समाज के अंदर विभाजन चाहती है। आज दलित छात्र के साथ ये करा गया केवल इसलिए कि यदि अगर ऐसा हो तो दलित समाज हिंदू समाज से अलग हो जाए। ये एक सुनियोजित कार्य है। कई जगह ये भी देखा गया है, जब कभी कोई घटना घटी उसका नाम पूछा गया तो उसको पता वहाँ के प्रशासन ने छोड़ दिया, मुक्त कर दिया, गिरफ्तार नहीं करा केवल नाम पूछने से। ये सारी योजना हिंदू समाज से अलग करने की कांग्रेस सरकार की देन है। इसलिए मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अखिल भारतीय स्तर पर इसका विरोध करता है, और ये भी मैं गहलोत सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ, हिंदू समाज ना आज तक हिंदू समाज अलग हुआ है, ना बटा है, ना बटेगा। जब कितने हजारों साल से संस्कृति चली आ रही है, वो समाज आज भी साथ है। तो ये केवल हमने राष्ट्रपति के नाम से दिया है और राजस्थान सरकार के खिलाफ दिया है कि उस अध्यापक को तत्काल पकड़ा जाए, उसे फांसी दी जाए, सरेआम फांसी दी जाए, ताकि कोई भी आदमी कि उसको ऐसा घृणित कार्य करने की जरूरत ना कर सके।